हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एट होम। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि घर में अवेलेबल चीज़ों का यूज़ करके हम कैसे इस दिवाली को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं, वो भी सिर्फ 5 मिनट के अंदर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपके पास में जो भी जार अवेलेबल हो, ग्लास का, प्लास्टिक का, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक ग्लास लिया है कांच का, तो इस तरीके से हमें इसे रखना है। और अब मैं यहाँ पर आर्टिफिशियल फ्लावर्स जो हैं उनका यूज़ कर रही हूँ। ये फ्लावर्स, ये लीव्स, आप चाहें तो ओरिजिनल जो फ्लावर्स और लीव्स होते हैं आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। और इन सबको इस तरीके से हम इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से अब हम इसके अंदर वाटर फिल करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है, पानी में ये अच्छे तरीके से डूबे हुए होने चाहिए। अब मैंने यहाँ पर प्लास्टिक के ये इस तरीके से सर्कल कट किए हैं। प्लास्टिक बॉटल में से भी आप सर्कल कट कर सकते हैं, या प्लास्टिक का कोई भी ढक्कन आपके पास में एक्स्ट्रा रखा हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ये जो चद्दर होती है उसके जो पैकिंग का जो प्लास्टिक था बहुत अच्छा मोटा क्वालिटी का प्लास्टिक है, तो मैंने उसका यूज़ किया है। इस तरीके से अब हमें इसे फोल्ड करना है। इस तरीके से 4 बार हम इसे फोल्ड कर लेंगे और बहुत ही छोटा सा सर्कल हमें कट करना है। अब मैंने यहाँ पर रुई की बत्ती का यूज़ किया है, उसे इस तरीके से लेना है और उसे इसके अंदर हमें डाल देना है। एक चीज़ की ध्यान रखना है कि जो होल होगा ना वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए कि रुई की बत्ती इजीली उसके अंदर से बाहर आ जाए। रुई की बत्ती अच्छे से उसके अंदर फिक्स हो जानी चाहिए। तो ये हमने बना लिया है। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं ऑयल। मैंने यहाँ पर सरसों के तेल का यूज़ किया है। आपके पास में जो भी ऑयल अवेलेबल हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अब ये एक जार हमारा रेडी है, एक कैंडल के लिए जार बिल्कुल रेडी है। अब हम सेकंड जार बनाने वाले हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर एक ग्लास का यूज़ किया है जो कि प्रिंटेड है, ऑलरेडी इस पर प्रिंट्स हैं। तो अब मैं इसको इस तरीके से चमक डालूँगी इसके अंदर। जो ये ग्लिटर है आपको इजीली मार्केट में मिल जाता है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे वाटर और वाटर से इसे फिल कर लेंगे, अच्छे से इस चमक को हिला लेंगे। और ये जो सेकेंड जार है ये भी हमारे रेडी है। अब मैंने यहाँ पर यूज़ किया है प्लास्टिक के इस जार का, इसका कैप मैंने हटा दिया है और ये ट्रांसपेरेंट है। तो इसके अंदर भी मैं इस तरीके से आर्टिफिशियल फ्लावर्स, जो पुरानी राखी रखी होती है उसको इस तरीके से डाल दूँगी। अगर आपके पास में कोई चुन्नी हो, नेट की, कुछ भी अच्छा सा कुछ भी रखा हो डेकोर का, आप उसमें डाल सकते हैं। और इसमें भी पानी भर देंगे और इस तरीके से अब हमें ऑयल डालना है, जैसे हमने फर्स्ट वाले में डाला था वैसे ही। अब इस तरीके से जो मैंने बत्ती बनाई है उसे इस तरीके से हमें इसके अंदर डालना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, बत्ती के ऊपर भी हमें ऑयल अच्छे से इसके अंदर लगा देना है। और इसी तरीके से हम तीनों बत्तियों को डाल देंगे। तो ये हमारे 3 तरीके के जार रेडी हैं। आपके पास में अगर प्लास्टिक का जो जार है वो प्रिंटेड हो तो भी आप उसका यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने सेकेंड वाले में बताया ग्लिटर करके, वैसे हम उसका यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से हमें इसे जला देना है और ये सुंदर सी वाटर कैंडल्स बिल्कुल रेडी हैं। ये देखने में बहुत ही सुंदर लगती हैं और ये 5 मिनट के अंदर बिल्कुल रेडी भी हो जाती हैं। मेरे पास में गुलाब के फूल रखे थे तो उसकी पंखुड़ियाँ मैंने इस तरीके से इसमें डाल दी हैं। और ये देखिए कितनी सुंदर लगती हैं। आप इसे अपने घर को इजीली डेकोर कर सकते हो इस दिवाली, और इन्हें बनाना भी बहुत आसान होता है। अब इसके बाद में मैं एक और DIY आपको बताने वाली हूँ। ये देखिए मेरे पास में ये इस तरीके से मिट्टी का ये जार रखा था, तो मैंने इसे पेंट कर लिया है। पेंट करने के बाद में मैंने इसके अंदर भी पानी भर लिया है और इसके अंदर पानी डाल लिया है। अब अच्छे से हम इसके अंदर गुलाब की मेरे पास में पंखुड़ियाँ रखी हैं तो मैं उसको डाल रही हूँ। अगर आपके पास में कोई भी तरीके का कैसा भी फ्लावर हो उसकी पंखुड़ियाँ आप इसके अंदर डाल सकते हैं, ये बहुत ही सुंदर लगता है। और जिस तरीके से प्लास्टिक के हमने उसमें प्रीवियस वाला जो ग्लास में डालने के लिए बनाए थे, वैसे ही हमें प्लास्टिक के यहाँ पर राउंड काट कर बनाने हैं। इस तरीके से अब मैंने ऑयल डाल दिया है इसके अंदर और अब वही प्लास्टिक के हम इसके अंदर डिप कर देंगे। अब मैं इन्हें भी जला देती हूँ और आपको बता कि ये कैसे लगते हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। लाइट में बंद कर देती हूँ, उसके बाद में ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आप इसे अपने लिविंग रूम में रख सकते हैं, इसके अंदर कोई भी तरीके का आप परफ्यूम डाल सकते हैं जिससे कि पूरे रूम में फ्रेग्रेंस रहे। LED से इस तरीके से हम आसपास डेकोर कर सकते हैं
और ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।